हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमी साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम कर रहे हैं क्लास इलेवंथ, अपना क्लास इलेवंथ का रसायन विज्ञान का चैप्टर चल रहा है थर्ड। तो हमारे अध्याय का नाम है तत्वों का वर्गीकरण व गुणधर्मों में आवर्तिता। इस अध्याय को हम विस्तार से यहाँ पर डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, पिछले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास रही थी उसमें हमने जाना था कि जो हमारा तत्व शब्द है, जो हमारा तत्व शब्द है वह क्या होते हैं। हमने कहा था कि अब वर्तमान समय में कुल 118 तत्व जो प्रकृति में उपस्थित है, या हम कह सकते हैं कि जिनकी खोज की जा चुकी है। हम यह नहीं कह सकते कि प्रकृति में उपस्थित, हो सकता है और नए तत्वों की भी भविष्य में खोज की जा सके, लेकिन वर्तमान समय में हम कह सकते हैं कि 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। हमने जाना था कि जब सन 1800 ईस्वी की अगर हम बात करें, सन 1800 ईस्वी तक हमारे पास मात्र 23 तत्व ही थे, लेकिन जब 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी के मध्य की अगर हम बात करें, इस समय में हमें 35 नए तत्वों की खोज की और 65 तत्व टोटल हो गए। और वर्तमान समय में जब हम बात कर रहे हैं 2022 में, तो 2022 में हमारे पास 118 तत्व ज्ञात हैं जो हमारी आवर्त सारणी में हम अच्छे से देख सकते हैं। तो इस अध्याय में हम क्या सीखने वाले हैं, इस अध्याय में तत्वों का वर्गीकरण हमने जाना था कि क्यों आवश्यक है, तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। क्योंकि मैंने आपको एक उदाहरण द्वारा समझाया था कि एक अक्ष बालक को ढूंढना है, तो आप उसे अगर आपको उसके गुणधर्मों का पता है तो आप बड़ी ही आसानी से उसे खोज लेंगे प्यारे बच्चों। अगर आपको उसके गुणधर्मों का ही पता नहीं है तो आप उसे नहीं खोज पाएंगे, यही बात हमने जानी थी। तो अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमने पहले जो हमारे कह सकते हैं कि तत्वों की जो आवर्त सारणी थी, आवर्त सारणी की उत्पत्ति में अंदर हम बढ़ रहे थे। तो हमारा जो सब टॉपिक था आवर्त सारणी की उत्पत्ति, टॉपिक डाल लेते हैं अपना आवर्त सारणी की उत्पत्ति, आवर्त सारणी की उत्पत्ति। तो आवर्त सारणी की उत्पत्ति के अंदर हमने पहला जो हमारा नियम था, आप कह सकते हैं कि जो पहला प्रयास था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था, जो थे लेवोजियर। लेवोजियर के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया था कि लेवोजियर कौन थे, या कह सकते हैं कि लेवोजियर ने किस प्रकार से धातुओं और अधातुओं में इनको वर्गीकृत किया था। लेवोजियर की अगर बाद हम बात करें तो हम बात करेंगे आज जो हमारे दूसरे जो वैज्ञानिक है जिन्होंने तत्वों के वर्गीकरण में योगदान दिया था, वह थे प्राउस्ट। हम कह सकते हैं कि प्राउट के नाम से भी जानते हैं, तो आप कह सकते हैं प्राउट की परिकल्पना। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों प्राउट। तो पहले हमने क्या पढ़ा, हमने लेवोजियर पढ़ा। लेवोजियर में हमने क्या जाना कि जो धातु हैं अधातु हैं उनके आधार पर उन्होंने क्या किया था, इनका वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें किसकी, जो प्राउट थे, प्राउट ने क्या कहा था, जो हमारा एक तत्व है, सबसे पहला तत्व हम कौन सा पढ़ते हैं, हाइड्रोजन। तो इन्होंने क्या कहा था, जो सभी तत्व हैं ना उनके जो गुणधर्म है आप कह सकते हैं हाइड्रोजन के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि सभी तत्व हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, आप यह बात भी लिख सकते हैं। तो परमाणु भार को भी इन्होंने क्या कहा था कि हाइड्रोजन की सहायता से आप सभी तत्वों के क्या कर सकते हैं, परमाणु भार की गणना कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसकी छोटी सी परिभाषा है, वह जल्दी से क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें प्राउस्ट की, तो यही परिकल्पना दी थी। प्राउस्ट की परिकल्पना क्या थी, या कह सकते हैं कि प्राउस्ट ने क्या कहा था, प्राउस्ट के अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। उन्होंने क्या कहा था, सभी तत्व है ना वो हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, उनमें जो अणु है वह, उनके जो परमाणु है वह हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं। वह सभी तत्वों का परमाणु भार, जो परमाणु भार हाइड्रोजन का आपको पता है एक होता है, का पूर्ण गुणज होता है। ऐसा कोई भी तत्व नहीं होगा जिसका परमाणु भार हाइड्रोजन के पूर्ण गुणज ना हो, एक का पूर्ण गुणज ना हो। लेकिन वर्तमान समय में हमें ज्ञात है बहुत से ऐसे तत्व हैं जिनका जो परमाणु भार है वो हाइड्रोजन के पूर्ण गुणज नहीं है, मतलब एक का पूर्ण गुणज नहीं है। इनके अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि जो परमाणु भार है, अब अगर प्राउस्ट की बात करें, प्राउस्ट लो के अनुसार जो परमाणु भार है, परमाणु भार मान लेते हैं एन, एन का यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एन के अनुसार कुछ भी हो सकता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, कुछ भी संख्या हो सकती है, मतलब किसी भी परमाणु क्रमांक वाले तत्व को हम कह सकते हैं का गुणा अगर क्या कर दिया जाए, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु भार है उससे अगर इसका गुणा कर दिया जाए, हाइड्रोजन के परमाणु भार से अगर गुणा कर दिया जाए तो हमें किसी भी तत्व का परमाणु भार क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर अगर हम n की जहाँ पे अगर बात करना चाहें, अगर कहीं जो हमारा n है वह एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार etc, मतलब इसके आगे कुछ भी होता चला जा सकता है। उदाहरण की सहायता समझते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए हम जो कार्बन का परमाणु भार अगर निकाले जाएं प्राउस्ट के एक परिकल्पना के अनुसार, तो कार्बन का परमाणु भार, तो आपको पता है कार्बन का अगर परमाणु भार ज्ञात करना है तो हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि जो हमारा कार्बन है उसके n, मतलब जो कार्बन के परमाणुओं की संख्या होती है वह क्या होती है, 12।
हमें पता है कि कार्बन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के कितनी संख्या होती है, 12 संख्या होती है। मतलब कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, हमें पता है प्यारे बच्चों 12 होता है। अगर इसकी गुणा की जाए किससे, हाइड्रोजन के परमाणु भार से, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार हमें ज्ञात है कितना है, 1 है, तो क्या आएगा 12 ही हमें ज्ञात होगा। इसी तरह से अगर हम कार्बन के बाद नाइट्रोजन का परमाणु भार ज्ञात करें, नाइट्रोजन का परमाणु भार प्यारे बच्चों, तो हमें पता है नाइट्रोजन जो हमारी आवर्त सारणी में 7 नंबर पे आती है और उसका परमाणु भार कितना होता है, 14 होता है। और इसके साथ हमें गुणा किसका करना है, हाइड्रोजन के परमाणु भार का गुणा करना है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 14 प्राप्त हो जाएगा, जो किसके बराबर है, नाइट्रोजन के परमाणु भार के बराबर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको विस्तार से क्या कर सकते हैं कि इसकी परिकल्पना को चर्चा कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम एक और बात करें जो क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु भार ज्ञात करें, तो हमें पता है क्लोरीन, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, क्लोरीन आता है 17 नंबर पर। अगर इसके परमाणु भार की बात करें 35.5 होता है। अगर इसका गुणा किससे किया जाए, 1 से किया जाए, क्या किया जाए, 1 से किया जाए, तो क्या आएगा, 35.5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यह क्या थी, प्राउस्ट की परिकल्पना थी। इनके अनुसार इस प्रकार से अगर हम क्या करें, किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार होता है वह हाइड्रोजन के परमाणु भार का पूर्ण गुणज होता है प्यारे बच्चों। यही परिकल्पना किसकी थी, प्राउस्ट की परिकल्पना थी। उम्मीद करता हूँ आपको यह परिकल्पना अच्छे से समझ में आई होगी, इसको डिटेल से हमने विस्तार से पढ़ा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इस प्रकार की परिकल्पना हमारे सीआरटी में विस्तार से नहीं दी गई है, तो हमें यह याद नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ आपको प्यारे बच्चों, आपको जो परिकल्पना यहाँ पर करवाऊंगा, जो यहाँ पर आपको मैं आवर्त सारणी की उत्पत्ति के लिए जिन जिन वैज्ञानिकों का योगदान यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, वो सभी योगदान आपको बड़े ही ध्यान से और बड़े ही अच्छे तरीके से समझने हैं, क्योंकि इनके आधार पर शॉर्ट क्वेश्चन कई बार एनसीईआरटी में, आप कह सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, प्राउस्ट की परिकल्पना पढ़ दी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह है हमारा डोबेराइनर का तत्वों का वर्गीकरण। इसे इसके अलावा एक और नाम से भी जान सकते हैं आप, त्रिक सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, त्रिक सिद्धांत। तो प्रिय बच्चों त्रिक सिद्धांत क्या होता है, या आप कह सकते हैं डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, इस नाम से भी आप जान सकते हैं, या आप क्या जान सकते कह सकते हैं डोबेराइनर का तत्वों का वर्गीकरण। तो इन्होंने क्या किया, एक त्रिक बनाई, या वैसे तीन त्रिक ही बना पाए थे, इन्होंने एक त्रिक बनाया था, तीन तत्वों को लिया, तीन तत्वों को इन्होंने एक साथ में व्यवस्थित किया। जैसे हम उदाहरण के लिए पहला त्रिक ले लेते हैं, इनका एक त्रिक ले लेते हैं, और इस प्रकार से ये नहीं, इसके साथ आता है अपना सोडियम और पोटेशियम। इस प्रकार से इन्होंने तीन तत्वों को लिया, इन्होंने क्या कहा, जो आसपास के दोनों तत्व हैं, इन दोनों तत्वों के जो हम परमाणु भार होता है उसका औसत क्या होगा, इस मध्य वाले का परमाणु भार होगा, ठीक है। इसी आधार पर इन्होंने क्या किया था, इसका वर्गीकरण किया था, त्रिक बनाए थे अपने। देखिए हमें पता है, हम क्या कह सकते हैं, लिथियम, लिथियम का परमाणु भार कितना होता है, हमें ज्ञात है कि लिथियम का परमाणु भार होता है हमारे पास 7, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी तरह से अगर हम बात करें पोटेशियम का परमाणु भार, तो पोटेशियम का परमाणु भार होता है हमारे पास 39। उसी तरह से अगर सोडियम के परमाणु भार की बात करें, हमें पता है सोडियम कितने नंबर पर आता है बच्चों, 11 नंबर पर, और इसका परमाणु भार क्या होता है, 23 होता है, ठीक है। ये हमारे परमाणु भार थे, इनका त्रिक था। इन्होंने क्या कहा था, जो आसपास के दोनों तत्व हैं, देखिए लिथियम और पोटेशियम, तो लिथियम और पोटेशियम को लिया, इन दोनों का योग कर दो, कितना आएगा देखिए, 48 आया, ठीक है 48। अगर इसका क्या किया जाए, जो हमारे पास 48 आ रहा है, 48 आएगा ना, सॉरी 46 आए। अब 46 का जो आधा किया जाए, औसत किया जाए, 46 को क्या कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो क्या आएगा 23। तो 23 ही हमारा क्या हो गया, मध्य वाले जो तत्व है उसका परमाणु भार होना चाहिए, यही इन्होंने कहा था। तो पहले इसमें साफ कर देता हूँ, और इसकी जो कह सकते हैं नियम है उसको लिख लेते हैं अपन, फिर इसको नीचे इनके तीनों त्रिकों को हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो क्या कहेंगे, इनके त्रिक सिद्धांत लिख लीजिए, इनके त्रिक नियम लिख लीजिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, त्रिक नियम में वर्ग के, जो इनके त्रिक नियम था उसमें जो वर्ग के जो तत्वों के जो भौतिक वो रासायनिक गुण होते हैं, भौतिक व
रासायनिक। अब भौतिक और रासायनिक में को आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। भौतिक जो हम कह सकते हैं कि उनको बाहर से देख के उनका अनुमान लगाया जा सकते हैं, और जो वैज्ञानिक अध्ययन कर करके उनके गुणों का पता लगाया जाता है, वह गुण क्या होते हैं? रासायनिक गुण होते हैं। गुण आपस में क्या हो, आपस में मिलते हुए होने चाहिए बच्चों, मिलते हैं या लिख लेते हैं। तो इन्होंने पहला इन्होंने क्या कहा था, पहली बात इन्होंने कही थी इनके आंतरिक नियम के वर में वर्ग के तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण क्या थे, आपस में मिलते हैं। ठीक है, मिलते थे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात लिखेंगे, जो आंतरिक है, जो हमारा आंतरिक था उसमें वर्ग के मध्य का जो तत्व था, अभी हमने देखा था कि हमारा सोडियम वर्ग के मध्य का क्या था, यहाँ पर तत्व था। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इस त्रिक वर्ग के मध्य के जो तत्व हैं, तत्वों का जो परमाणु भार है, तत्वों का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों का औसत होता है। कि ये बात मैंने अभी आपको समझाई थी, परमाणु भारों का क्या होता है, औसत होता है। प्यारे बच्चों औसत होता है। देखिए इन्होंने दो बात बताई थी, थोड़ी सी इसको एक बार फिर से क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इन्होंने क्या कहा था, इनके त्रिक नियम के में जो वर्ग हैं, वर्ग के जो तत्व हैं कि भौतिक रासायनिक है, गुण क्या होते हैं, आपस में मिलते हुए होने चाहिए। इनके त्रिक वर्ग के मध्य जो तत्वों का परमाणु शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों का औसत होता है। अब औसत कैसे होता है, एक त्रिक तो हमने समझ लिया था, जैसे हमने लिखा था पहला लिथियम सोडियम पोटेशियम, हमने क्या लिखा था, निश्चित लिथियम होता है उसका परमाणु भार कह सकते हैं कि हमें 7 होता है, सोडियम का 23 और जो हमारा पोटेशियम होता है इसका परमाणु भार होता है 39। ठीक है, यह बात हमें अच्छे से ज्ञात है, इसको हमने अच्छे से पढ़ा था। अब देखिए हमें क्या देखा था, इन दोनों का हमने योग किया, इन दोनों का योग कितना आया 46। अगर 46 का आधा किया जाए 23। ठीक है, इसी प्रकार से इन्होंने एक और त्रिक बनाया था, कैल्शियम बेरेलियम। ठीक है, ये इनका एक और त्रिक था। इस त्रिक के अनुसार हम क्या कह सकते हैं, इस त्रिक को भी पढ़ेंगे, और इन्होंने कह सकते हैं कि सिर्फ तीन त्रिक ही बनाने में क्या उपाय थे, सफल हो पाए थे, इसके अलावा और त्रिक नहीं बना पाए थे। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं जो इन्होंने बनाई थी, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इन सभी चीज़ों को दर्शाया था। तो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है जो हमारा क्लोरीन, पहले ये समझ लेते हैं कैल्शियम वाला। ठीक है, ये अच्छा थोड़ा सा आसानी से हमें क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको देखते हैं, तो इसको पहले विस्तार से देख लेते हैं। तो देखिए अब हम बात करें, इससे हमारे दूसरे त्रिक की बात करें, तो हमें पता है कैल्शियम का हमारा जो परमाणु भार होता है वह होता है 40.1, ये होता है लगभग 45, और ये होता है 47.89 समथिंग ऐसा। अब इन दोनों के त्रिकों को अगर दोनों को अगर योग करें, इन दोनों का देखिए योग कर लेते हैं, इन दोनों का योग करें क्या आएगा, 87.9। अब इसको दो से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो क्या आएगा देखिए 4। ठीक है, यहाँ पे 8 ही मान लेते हैं ऑलमोस्ट, तो क्या आ जाएगा 79 है, ऑलमोस्ट 8 आ गया, तो ऑलमोस्ट 44, लगभग 45 के बराबर आता है। इसे आप क्या कर लीजिए, 41 मान लीजिए, और इसे 48 मान लीजिए, तो क्या आएगा लगभग 45 के ऑलमोस्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से अगर क्लोरीन के जो त्रिक की बात करें तो क्या होता है 35.5, और जो हमारा 126.9। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, देखिए अगर हमें बेरिलियम का वैसे तो पता है कि क्या होता है 79.9 होता है, अगर इन दोनों की सहायता से अगर हमें ज्ञात करना हो तो देखिए जोड़ लगा लेते हैं, 9 और 5 4.6, और 6 12 1, 3 और 3 6 और 162.4, 162.4 आता है। अगर इसको दो से हम क्या कर दें, भाग कर दें दो से, तो कितना आएगा 8। ठीक है, और पॉइंट लगा दिया जाए तो यहाँ पे आएगा 0, 80, ऑलमोस्ट 80 आता है, मतलब 17
9.9 के ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारे पास इसका मान भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन इनके नियम के हम कह सकते हैं कि एक कमी रही थी कि यह सिर्फ तीन त्रिक ही बना पाए और तीनों त्रिक को भी अच्छे से विस्तार से यह समझा नहीं पाए थे। तो इनके तीनों त्रिक आप याद कर सकते हैं, ठीक है, इनको अच्छे से आप याद कीजिए। तीन हमारे नियम हो चुके हैं, अभी और दो तीन नियम और पढ़ेंगे हम अच्छे से। नियमों को आपको विस्तार से पढ़ना है, अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है ताकि आपको भविष्य में लेकर के इससे कोई दिक्कत ना हो। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए पहले बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा आगे वाला हम कह सकते हैं कि हमारा चौथा नियम है वह क्या है, डी चेन कोर्टोइस। इनका जो नियम था, इन्होंने क्या किया, जो तत्व थे उनको, जो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को क्या किया, व्यवस्थित किया। तो इन्होंने क्या पाया, जो तत्व थे उनके जो रासायनिक और भौतिक गुण थे वह समान आ गए। तो इस पर उन्होंने भी क्या किया, अपने एक सारणी बना दी, वर्ताकार सारणी इन्होंने पेश की थी। चलिए इनके नियम को भी लिख लेते हैं कि यदि तत्वों को, अब एक और बात आपको पता है कि हम इस पूरी की पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आवर्त सारणी के निर्माण तक तत्वों का वर्गीकरण समझेंगे, आवर्त सारणी का निर्माण समझेंगे हम, और फिर उनके जो गुणधर्म हैं उनको हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो देखिए, ये तत्वों को उनके बढ़ते हुए, अब उनके जो परमाणु भार हैं उनमें व्यवस्थित करें, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में क्या किया जाए, व्यवस्थित, ठीक है, इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, अब सही हो गया। अगर व्यवस्थित किया जाए तो क्या होगा, किया जाए तो इनको जो हम कह सकते हैं कि उनके जो भौतिक व रासायनिक गुण हैं, तो इनके जो उनके गुणों, अब यहाँ पे हम गुणों की बात करें तो हम गुणों में क्या लिख सकते हैं, गुणों में भौतिक व रासायनिक गुण, गुणों में भौतिक व रासायनिक गुण। अब भौतिक और रासायनिक में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भौतिक गुण क्या होते हैं और रासायनिक गुण क्या होते हैं। इन सभी गुणों में क्या होती है, समानता पाई जाती है, ठीक है। तो जो हमारे क्या थे, डी चेन कोर्टोइस थे, इनका नियम वैसे आपको ज़्यादा याद रखना नहीं है, आपको लगभग याद होना चाहिए लेवोशियर आपको याद करना पड़ेगा, डोबेराइनर का त्रिक आपको याद करना पड़ेगा, और आगे जैसे पढ़ेंगे वह ज़्यादा आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ नियमों को आपको विस्तार से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जैसे हमारे नियम डी चेन कोर्टोइस। अब इन्होंने क्या किया, इन सभी के अनुसार इनका जो क्या थी थ्योरी थी, इनकी जो परिकल्पना थी, उनके अनुसार क्या किया, इन्होंने भी एक सारणी बनाई थी। तो कोर्टोइस के इस सिद्धांत को अपनाकर कोर्टोइस ने क्या किया था, कोर्टोइस ने इस सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, कि अगर हम तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करें तो उनके गुणों जैसे भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। इस सिद्धांत के आधार पर क्या किया था, सिद्धांत को अपनाकर अपनी एक सारणी बना दी थी। एक अब इनकी सारणी का एक गुण था कि यह वर्ताकार थी। वैसे सारणियाँ लगभग क्या थी, कोई भी सारणी हमें वर्ताकार नहीं मिलती है, लेकिन वर्ताकार तत्वों की सारणी की रचना की, तो इन्होंने क्या किया था, एक वर्ताकार सारणी बना दी। प्यारे बच्चों, अब इनका नियम को भी हमने अच्छे से समझ लिया है, तो जल्दी से इस नियम को भी क्या कर लीजिए, अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। आपको कोई भी नियम लिखना नहीं छोड़ना है, हर नियम को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। फिर हम आगे और नियमों को भी विस्तार से पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, कुछ नियम और पढ़ेंगे, तो जल्दी से इसको कीजिए नोट, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो आगे नियम आता है पाँच नंबर पर, जॉन अलेक्जेंडर, इन्होंने एक नियम दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि जब तत्वों को हम उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो जब लगभग जो हर आठवां तत्व है उसके भौतिक व रासायनिक गुण क्या करते हैं, आपस में मेल खा रहे थे। तो इस नियम को क्या कहा जाता है, अष्टक नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं,
अष्टक नियम। प्यारे बच्चों यही बात इन्होंने कही थी। इन्होंने क्या कहा था लिख लेते हैं पहले कि यदि तत्वों को अब इन्होंने तत्वों को क्या किया था जो उनके परमाणु भार थे उनके परमाणु भारों के हमने पीछे भी परमाणु भार पढ़ा था ठीक है। यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं परमाणु भारों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या कहा था यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में आप कह सकते हैं क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व कौन सा तत्व प्रत्येक आठवां तत्व है वह अब आठवें तत्व से किस प्रकार से ये जब हम इनकी छोटी सी एक सारणी बनाई थी इन्होंने उसको पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि आठवें तत्व से यहाँ पर क्या मतलब कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या था कि तो प्रत्येक आठवां तत्व वह क्या करता है भौतिक व रासायनिक भौतिक व जो रासायनिक गुण हैं गुणों में क्या रखता है समानता रखता है प्यारे बच्चों ठीक है। इन्होंने क्या कहा था इनके नियम को अष्टक लो भी कहते हैं ऑक्टेट लो। यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते या क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व वह भौतिक व रासायनिक गुणों में समानता रखता है। या आप यहाँ पे वह आप साफ करिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था प्रत्येक आठवां तत्व भौतिक व रासायनिक गुणों में क्या रखता है प्यारे बच्चों समानता रखता है। तो इन्होंने इनका जो ऑक्टेट लो था उसको पढ़ते हैं तो इन्होंने क्या लिया इन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम को त्याग दिया था। इन्होंने हाइड्रोजन व हीलियम को कह सकते हैं कि इन्होंने इसके ऊपर बात नहीं की थी। इससे आगे ने लिया था लिथियम बेरिलियम बोरोन 1 2 3 4 5 6 7 तत्व थे आठवां तत्व। अब फास्फोरस के बाद जैसे ये जो आठवां तत्व आता है या बात कह सकते हैं फ्लोरीन अपने यहां पे फ्लोरीन है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। जब फ्लोरीन के बाद हम कहते हैं कि जब इस फ्लोरीन के बाद हमारा जो भी आठवां तत्व आता है इसके बाद अब इसके बाद आठवां तत्व कौन सा आएगा लेकिन आठवां तत्व के उससे पहले हम लिथियम के बाद बात करें लिथियम के बाद 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद जैसे ही आठवां तत्व आता है तो वह क्या कर रहा है जो आएगा हमारा सोडियम। तो इसके गुण इस लिथियम के भौतिक व रासायनिक रूप से क्या होंगे समान होंगे प्यारे बच्चों ठीक है। इस प्रकार से हम इनकी व्यवस्था कर सकते हैं। आप देखिए पहले बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 सात के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आठ जो आठवां तत्व आ रहा है यही कहे ना देखो प्रत्येक आठवां तत्व तो आठवां तत्व है वह उसको पहले वाले तत्व से क्या है जब व्यवस्थित करें तो गुणों में क्या रख रहा है समानता रखता है प्यारे बच्चों। यदि तत्वों के उनके परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर आठवां तत्व भौतिक व रासायनिक गुणों में समानता रख रहा है। भौतिक व रासायनिक गुण में क्या आएंगे समानता रखेंगे 9 10 11 12 13 14 15 16 इस प्रकार से इन सभी को क्या किया जा सकता है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया प्यारे बच्चों। तो यह क्या था हमारा जॉन अलेक्जेंडर का नियम था। अभी हम इसके बारे में इतना विस्तार से नहीं पढ़ रहे हैं कि इसके नियम पढ़ें इसकी सीमाएं पढ़ें इसके दोष पढ़ें इसके गुण पढ़ें प्यारे बच्चों हम इन नियमों को जान रहे हैं कि आवर्त सारणी के नियम में किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम कह सकते हैं कि आगे बढ़ते गए और हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका निर्माण हो गया। वैसे जैसे जैसे हम इन पाँचों नियमों की बात करें तो ये पाँचों लॉ जैसे ही अगला नियम आता है तो ये कह के देखिए पीछे वाला लॉ हमारा क्या हो चुका है फेल हो चुका है वह वर्त समय पर कार्य नहीं कर रहा है। तो ऐसे हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी प्रकार से चलती रहती है कुछ अपवाद आते रहते हैं आपको नियम याद करवाते जाएंगे हम लेकिन आपको कह भी कहा जाएगा जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम कह देंगे ये नियम गलत है क्योंकि इन्होंने और तत्वों को इसमें व्यवस्थित नहीं कर पाए थे ठीक है। जल्दी से इसको क्या कीजिए नोट कीजिए प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम क्या बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं।
तो हम पांच नियम पढ़ चुके हैं, हम छठे नियम की बात करते हैं। जो हमारा छठा नियम है प्यारे बच्चों, लोथर मेयर का सिद्धांत। लोथर मेयर ने एक सिद्धांत दिया था, इन्होंने एक परिकल्पना पेश की थी, इन्होंने एक वक्र के द्वारा हम कह सकते हैं कि इनको समझाने की कोशिश की थी, ग्राफ के द्वारा तत्वों के जो कह सकते हैं कि सारणी को बनाने का प्रयास किया था। उन्होंने क्या था, उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार, इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, तत्वों का परमाणु भार लिया, के आधार पर क्रम में व्यवस्थित किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने क्या किया, तत्वों को व्यवस्थित किया, और अनुसार यदि तत्वों के भारों व उनके भौतिक गुणों की अगर बात करें, उसके गलनांक, क्वथनांक या परमाणवीय आयतन के बीच ग्राफ या वक्र का निर्माण किया। इन्होंने क्या किया, ग्राफ या वक्र का निर्माण किया, किस किस के मध्य किया, जो यार हम कह सकते हैं कि परमाणवीय आयतन है, जो तत्वों का हम कह सकते हैं जो परमाणवीय आयतन है, और उनका जो परमाणु भार है। परमाणवीय आयतन में हम क्या ले सकते हैं, उनके गलनांक हो सकते हैं, क्वथनांक हो सकते हैं, परमाणवीय आयतन हो सकते हैं, के मध्य वक्र का निर्माण किया, तो समान गुणों वाले तत्वों का वर्गों की प्राप्ति हो जाती है। तो समान गुणों वाले तत्वों के वर्गों की क्या होगी, प्राप्ति। अब ये नियम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको कि क्या बोल दिया, पता ही नहीं चल रहा। तो जैसे हम वक्र बनाकर के इसको सीखेंगे तो बहुत आसानी से आपको यह समझ में आ जाने वाला है। तो इन्होंने क्या किया था, यहां पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक वक्र बनाया। अब किस किस के मध्य वक्र बनाया था, तो हम यहां पर देख सकते हैं जो हमारी थ्योरी है वह हमें सिद्ध कर रही है कि परमाणवीय जो आयतन था हमारा, उसको किस एक्स पर लेंगे, हम कह सकते हैं वाई एक्स पर ले लेते हैं परमाणवीय आयतन को, किसको लेते हैं, परमाणवीय आयतन, और वह एक्स अक्ष पर अगर बात करें तो एक्स अक्ष पर हम क्या लेंगे, परमाणु भारों को लेते हैं, तो क्या लेते हैं, परमाणु भार, इस क्रम में परमाणु भार हैं जो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए जिस प्रकार से उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया, सबसे पहले इस प्रकार से हमें इन्हें क्या हो गया, एक वक्र की हम कह सकते हैं कि प्राप्ति होती है। इस प्रकार से निश्चित एक कह सकते हैं कि वेव जिस तरह से कार्य करती है, उस तरह से इनका इन्होंने क्या किया, एक वक्र का निर्माण किया। तो इस वक्र की हम परिकल्पना कर लेते हैं, तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। तो इस वक्र से हम क्या सीख सकते हैं, इन्होंने इन तत्वों को जैसे यह वक्र में रखा, उनके परमाणु आयतन व परमाणु के भारों के क्रम में जब इनको व्यवस्थित किया, तो इन प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें तत्व इस वक्र में प्राप्त हो जाते हैं। इस वक्र की सहायता से इन्होंने क्या किया, हम कह सकते हैं कि समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक कह सकते हैं वर्ग में रखा, तो लिखेंगे समान गुणधर्म। जब इन्होंने यहाँ पर क्या किया, जब समान गुणधर्म वाले तत्व थे, उन्होंने क्या किया, इसको एक वक्र में रखा, या तो इस प्रकार से एक देखिए यहाँ पे लिथियम सोडियम व पोटेशियम, लिथियम सोडियम व पोटेशियम क्या, इन सभी के गुणधर्म क्या है, समान है, क्योंकि ये वक्र में वेव में क्या कह सकते हैं हम, एक ऊंचाई पर आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को इस प्रकार से देखिए, इन सभी के गुण क्या हैं, समान आते हैं, तो इन सभी को उन्होंने क्या किया, एक ही वक्र वर्ग में लिख लिया इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ पर बेरेलियम मैग्नीशियम कैल्शियम आ रहा है ना, बेरेलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, इस वर्ग को भी क्या किया, इन्होंने एक वर्ग में रखा, तो हम लिख सकते हैं बेरेलियम मैग्नीशियम और हमारा कैल्शियम, इन सभी को एक वर्ग में रखा। अगर हम बात करें देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार से देखिए सिलिकन के बाद जर्मेनियम और उसके आगे एशेनियम, तो लिखेंगे सिलिकम जर्मेनियम एस, ठीक है। अगर इसी के बात करें फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, और जब यह वक्र इस तरह से ऊपर जाएगा, यहाँ से इस प्रकार से ऊपर भी जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, बी आर तत्व। तो ये सभी देखिए यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन बी आर, इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, एक सारणी बनाने की कोशिश की प्यारे बच्चों। तो वह क्या हो गई, इस प्रकार से व्यवस्थित हो गई, वक्र की सहायता से इसको समझा हमने। तो यह किसका नियम था, यह हमारा जो नियम था लोथम मेयर का सिद्धांत। अब आपको यह परिभाषा भी अच्छी समझ में आ गई होगी कि जब परमाणवीय आयतन व परमाणु भार के मध्य ग्राफ खींचा गया, वक्र खींचा गया, तो जो तत्व थे उनके जो भौतिक व रासायनिक जो गुण थे हमारे पास, कह सकते हैं भौतिक गुण थे, जो गलनांक था, क्वथनांक था, परमाणवीय आयतन थे, इन सभी के जो परमाणवीय आयतन है वह सभी क्या होते हैं, समान होते हैं प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, एक छोटी सी सारणी बनाई प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में उम्मीद करता हूं कि हमने छह जो नियम है या और सारणी बनाने की उत्पत्ति के मध्य छह वैज्ञानिकों की जो कोशिश है उसको हमने विस्तार से समझा। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पढ़कर अच्छा लगा होगा और मजा आ रहा होगा। तो मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड डे, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास को खत्म करते हैं अपने।